चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएस आरपीएस लेखा सेवा अधिकारियों का संयुक्त अधिवेशन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल जायजा ले रहे हैं, आरएस क्लब का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्लब संरक्षक पवन अरोड़ा खेल सुविधाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएस क्लब के रेस्टोरेंट में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। रेस्टोरेंट के व्यू को देखकर सीएम दंग रह गए। दरअसल जैसे ही वो एंट्री हुए और उन्होंने कहा कि वाह बहुत ही शानदार नजारा है। अब क्लब के बारे में जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहां से तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल आरएएस आरपीएस लेखा सेवा अधिकारियों का संयुक्त अधिवेशन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंच चुके हैं और जायजा ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। शिवेंद्र, ओवर टू यू। देखिए, बड़ा कार्यक्रम आज आरएएस क्लब में पूनम, और पूरा समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे हैं। सबसे पहले जब वो क्लब पहुंचे तो जो आरएएस क्लब के संरक्षक हैं, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा, उन्होंने स्वागत किया उनका। और उसके बाद जो खेल सुविधाएं विकसित हुई है, क्योंकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री आरएएस क्लब आए थे पूनम, उस समय यहाँ पर खेल सुविधाएं विकसित नहीं हुई थी। तो उनके पहली यात्रा के बाद क्लब में और जो कुछ नया हुआ है उसके बारे में जो क्लब के संरक्षक है पवन अरोड़ा, उन्होंने पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। पूरा उन्होंने विजिट कराया है, चाहे वो बैडमिंटन का कोर्ट ऊपर बना हो या कुछ और सुविधाएं बनी हो, उनके बारे में पूरी जानकारी जो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर है और आरएएस क्लब के संरक्षक है पवन अरोड़ा, उन्होंने दी है। और इस समय जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो इस क्लब के रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और तकरीबन 20 मिनट से पूनम वो रेस्टोरेंट के क्लब में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना समय जो सीएम अशोक गहलोत हैं वो दे रहे हैं आरएएस क्लब में। और अच्छी बात यह है कि रेस्टोरेंट में भी न सिर्फ उन्होंने क्लब के बारे में जानकारी ली है, बल्कि और क्लब में किस तरीके से बेहतर काम हो सकते हैं इसके बारे में भी उन्होंने क्लब के संरक्षक पवन अरोड़ा से बातचीत की है। और इसी बीच जब ये बातचीत चल रही है, क्योंकि मैं मौके पर ही मौजूद हूँ, तो पवन अरोड़ा ने जो हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट है, खासकर जो सिटी पार्क जिस तरीके का बन रहा है, जो सबसे बड़ा पार्क है जयपुर का, उसके बारे में भी पवन अरोड़ा ने अशोक गहलोत को जानकारी दी है। और जैसा मैंने सुन पाया है तो यह भी चर्चा हुई है, पवन अरोड़ा को कहा है ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि एक आईएएस क्लब की भी प्लानिंग बननी चाहिए, कि जिस तरीके से आरएएस क्लब बना है शानदार, उसी तरीके से आईएएस क्लब कैसे बने। और उन्होंने कहा है चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा को, क्योंकि जिस समय बातचीत चल रही है उषा शर्मा भी पास में ही है, आरएएस क्लब के संरक्षक पवन अरोड़ा भी पास में है, गोविंद सिंह डोटासरा भी पास में है, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि आईएएस क्लब के लिए आप बात कीजिए, पवन अरोड़ा उषा शर्मा दोनों को कहा है, और एक अच्छा ये सोचिए कि किस तरीके से आईएएस क्लब का भी निर्माण हो सकता है। तो पूरा समय दिया है आज की इस यात्रा में जो आरएएस क्लब पहुंचे हैं। और अभी क्योंकि जो मुख्य कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री का संबोधन होना है, उसमें देरी है पूनम, वो कार्यक्रम नीचे फर्स्ट फ्लोर पर, उससे पहले अभी भी पूरी तसल्ली के साथ जो आरएएस क्लब का शानदार रेस्टोरेंट है जहाँ से झालाना की पहाड़ियां दिखती है, बिल्कुल शिवेंद्र जैसे कि आपने बताया कि 20 मिनट से वो वहां पर बैठे रहे, पूरी जानकारी ली और रेस्टोरेंट को देखकर उन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार नजारा है, तो जरा इसे डिस्क्राइब कीजिएगा। देखिए, मैंने कहा पूनम की जो आरएएस क्लब का रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट से जो झालाना की पहाड़ियां हैं जिनका अपना एक अपनी एक खूबसूरती है, अपना एक आकर्षण है जयपुर में, उनका जो व्यू है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। और जब वो पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा है कि बहुत ही शानदार व्यूज है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। जाहिर तौर पर आरएएस क्लब का जो रेस्टोरेंट है उसकी तारीफ यहाँ के जो मेंबर या जो गेस्ट हैं वो करते ही हैं। तो उन्होंने एक बार फिर जब वो रेस्टोरेंट में पहुंचे तो उन्होंने फिर तारीफ की पवन अरोड़ा की और कहा कि बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही शानदार नजारा है। और बैठ के वहां पर वो चाय पी रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बजट के बारे में भी चर्चा हुई है, जो शानदार बजट मुख्यमंत्री ने पेश किया है उसके बारे में भी चर्चा हुई है, मुख्य सचिव से चर्चा हुई है, गोविंद सिंह डोटासरा भी अपनी बात कर रहे हैं, और हाउसिंग बोर्ड और आने वाले दिनों में क्या बेहतर कर सकता है, उनके प्रोजेक्ट कैसे हैं, यानी ये कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट में एक बहुत ही तसल्ली से बातचीत चल रही है, चाहे वो सरकारी योजनाओं के बारे में हो, चाहे वो आरएएस क्लब के बारे में हो। और जो चीफ सेक्रेटरी है पूनम उषा शर्मा, वो भी पहली बार आरएएस क्लब आई है, उन्होंने भी आरएएस क्लब के लिए, जो आरएएस क्लब के मुख्य सूत्रधार है पवन अरोड़ा, जो आरएएस क्लब के संरक्षक भी हैं, उनकी काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगी, जिस तरीके का आपने क्लब बनाया है, बहुत शानदार क्लब बनाया है, उसके लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगी। तो बहुत अच्छा ये नजारा है आज आरएएस क्लब का, बेहद खास दिन भी माना जाएगा। और वैसे भी पवन अरोड़ा एक्सपेरिमेंट करने, क्योंकि उन्होंने हाई लेवल तक पहुंचा दिया हाउसिंग बोर्ड को, और चाहे वो जितने भी इस तरीके के काम हो वो बहुत एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज वाहवाही भी लूटी जा रही है और आईएएस क्लब बनाने की बात भी यहाँ पर कही गई है। शिवेंद्र, बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि ये कई मौकों पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूनम कह चुके हैं। एक बार मुझे याद है बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम था हाउसिंग बोर्ड का,
और उस कार्यक्रम में उस समय के तत्कालीन मुख्य सचिव डीबी गुप्ता मौजूद थे। तो मंच पर ही मुख्यमंत्री ने कहा पूनम डीबी गुप्ता को इंगित करते हुए कि गुप्ता साहब आप पीछे रह गए और पवन अरोड़ा ने आरएएस अधिकारियों के लिए एक शानदार क्लब बनवा दिया, ऐसा क्लब बनवा दिया जो देश में अभी तक कहीं भी नहीं है इस तरह का क्लब। तो ये मुख्यमंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं और आज ये चर्चा हुई है, जो तस्वीरें अभी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है इन्हीं तस्वीरों के बीच में वाक्य आया था जब मुख्यमंत्री ने कहा था उषा शर्मा और पवन अरोड़ा दोनों को कि आईएएस क्लब के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आईएएस अधिकारी को एक क्लब बन सकता है। तो ये इसलिए क्योंकि जब एक काम आप करके दिखा देते हैं, क्योंकि आरएएस क्लब जहां आप एक पहले जिस जमीन पर आरएएस क्लब बना है उनमें बहुत सामान्य सी बिल्डिंग हुआ करती थी और जिस समय परिकल्पना की थी कितना भव्य आरएएस क्लब बनेगा उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि वास्तव में एक इस तरह का क्लब बनेगा जो जयपुर में पहले से एस्टेब्लिश क्लब है उनसे भी आगे निकल जाएगा, उनसे भी अधिक लोकप्रिय आरएएस क्लब की हो जाएगी। तो अब जब आरएएस क्लब की चर्चा है चारों तरफ है, खुद मुख्यमंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं कि इससे शानदार क्लब मैंने नहीं देखा, देश भर में ये क्लब एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से अधिकारियों के लिए एक अच्छा क्लब बन सकता है। तो आज आईएएस क्लब की चर्चा भी हुई है जो मुख्य सचिव और पवन अरोड़ा, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, पवन अरोड़ा, मुख्य सचिव उषा शर्मा और भी जो अधिकारी हैं वो रेस्टोरेंट पर बैठकर चाय पी रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि आरएएस क्लब के बारे में भी, हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं के बारे में भी, जो हाउसिंग बोर्ड का अपकमिंग प्रोजेक्ट है चाहे वो सिटी पार्क हो चाहे वो कोचिंग हो, वो बीच में बजट की भी चर्चा हुई है। मुख्य सचिव ने कहा है कि जो बजट आपने पेश किया है उसके बारे में भी मैं लगातार फीडबैक दे रही हूँ। तो बड़ी अच्छी माहौल में चर्चा हुई और इस समय जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूनम वो क्लब रेस्टोरेंट से निकलकर अब नीचे जहाँ जो मुख्य कार्यक्रम है जहाँ वो संबोधित करेंगे आरएएस और लेखा सेवा और आरपीएस अधिकारियों को, वहाँ के लिए मुख्यमंत्री रेस्टोरेंट से पूनम और रवाना होंगे। चलिए, ये संयुक्त अधिवेशन बेहद खास रहने वाला है, आप पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए, आपसे आगे भी हम कॉन्टैक्ट करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल मुख्य जो अधिवेशन यहां पर होना है, संयुक्त अधिवेशन आरएएस का, आरपीएस का और लेखा सेवा अधिकारियों का, यानी तीन विभागों के मुख्य अधिकारियों का, उसे संबोधित यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे थोड़ी ही देर में।